कमांडो 3, जी हाँ, इस फ्राइडे मूवी रिलीज हुई है कमांडो 3। अगर आप इस वीकेंड पर मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा पूरा देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कमांडो 3 मूवी क्या आपके लिए देखने लायक है या नहीं, क्या कुछ खास है इस मूवी के अंदर और क्या कुछ खास नहीं है। और साथ में आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहना है पब्लिक का कमांडो 3 मूवी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमांडो 3 मूवी यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। यूए सर्टिफिकेट का मतलब है कि 12 साल से नीचे बच्चों के लिए ये मूवी नहीं है। 12 साल से नीचे बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही अलाउड है उनकी गाइडेंस में, ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सके कि क्या मूवी में सही है क्या गलत। दोस्तों मूवी का जॉनर है एक्शन थ्रिलर, इट मींस मूवी के अंदर आपको एक्शन और थ्रिलर भरपूर मिलने वाला है। इसके अलावा मूवी में और कुछ उम्मीद करके मत जाइएगा कि रोमांटिक मूवी है, कॉमेडी मूवी है या फिर कोई ड्रामा है मूवी के अंदर, ये सब सोच के मत जाइएगा। दोस्तों अगर आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको निराश नहीं करने वाली। मूवी के अंदर एक्शन बहुत बढ़िया है। दोस्तों मूवी के हीरो विद्युत जामवाल हैं, बट अगर परफॉर्मेंस और एक्टिंग की बात की जाए तो मूवी के अंदर जबरदस्त काम किया है मूवी के विलेन ने, जिनका नाम है गुलशन। दोस्तों नाम से अगर आपको पता ना चल रहा तो मैं आपको बता दूं कि गुलशन वही एक्टर है जिन्होंने हंटर मूवी करी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब साबित हुई थी। इस मूवी के अंदर भी उनकी दमदार परफॉर्मेंस है एज अ विलेन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने विलेन के रूप में। दोस्तों बहुत कम मूवी ऐसी आती है जिसमें विलेन हीरो से ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कमांडो 3 के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या देखने लायक नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मूवी के अंदर स्टोरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फोर्स और बेबी मूवी देखी होगी तो यह मूवी आपको इन दोनों का मिक्सअप लगेगी। आपको देख के ऐसा लगेगा यार कुछ पार्ट बेबी में से उठा लिया है, कुछ पार्ट फोर्स मूवी में से उठा लिया है, कुछ पार्ट अय्यारी मूवी में से उठा लिया है, और इन तीनों को मिला के एक मूवी तैयार कर दिए कमांडो 3। दोस्तों सेम स्टोरी होने के बावजूद मूवी का फर्स्ट हाफ आपको काफी ग्रिपिंग लगता है और आपको सीट पर बैठकर देखने के लिए मजबूर कर देता है, बट मूवी का जो सेकंड हाफ है ऐसा लगता है कि इसको खामखा का लंबा खींचा गया है, और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी लगती है मूवी की स्टोरी में कि डायरेक्टर किस तरह से मूवी का एंड करना चाहता है। दोस्तों मैं आपको अपनी फाइनल वर्डिक्ट भी बताऊंगा कि क्या मूवी आपके लिए है या नहीं और किस ऑडियंस के लिए है, बट उससे पहले जान लेते हैं कि पब्लिक का क्या कहना है इस मूवी के ऊपर। आइए देखते हैं। देखने लायक है फर्स्ट और सेकंड? सेकंड हाफ में थोड़ी सी स्लो है बट मूवी अच्छी है। फर्स्ट टाइम आपको अच्छी लगी? सही मूवी है, पैसा देखने लायक है। फर्स्ट और सेकंड से बेटर? फर्स्ट हाँ, सेकंड सेकंड से बेटर तो नहीं कह सकते, इक्वली है क्योंकि सेकंड भी अच्छी थी। और देखने लायक है? बिल्कुल देखने लायक है। एक्शन सीन्स अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। वन टाइम वॉच है या फिर देखने लायक है थोड़ा अच्छा अगेन देख सकते हैं? हाँ है ना। मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी फाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखने लायक है? देखने लायक है, डबल बात होगा देख सकते हैं। अच्छा पैसा वसूल मूवी है, पैसा वसूल पूरा स्टोरी है मूवी के अंदर? बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब हिंदू मूवी है, बहुत अच्छी है, मतलब देखने लायक मूवी, देखने लायक बिल्कुल। एक्शन वगैरह? एक्शन बिल्कुल मस्त, ठीक है, और देखने लायक मूवी है, कोई भी आने के लिए पैसे। अच्छा फैमिली 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 बहुत अच्छी मूवी। दोस्तों आपने देखा पब्लिक का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल जो मेरी वर्डिक्ट है वो मूवी के ऊपर क्या है। कि जैसा कि मैंने कहा कि मूवी की स्टोरी में नया कुछ भी नहीं है, बट मूवी का जो फर्स्ट हाफ है बहुत बढ़िया है, सेकंड हाफ में मूवी डिसअपॉइंट करती है। अगर आपने बेबी और फोर्स मूवी देखी है तो उन मूवीज का ये मिक्सअप है, बट मूवी के अंदर एक मैसेज दिया गया जो काफी अच्छा है। इस मैसेज की वजह से ये मूवी वन टाइम वॉच तो बनती है,